नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 11, आपके साथ मैं हूं जया। बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत आज कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान शक्ति प्रदर्शन का भी खेल चलता रहा, लेकिन इस बार भी जो पुराने नाम हैं, क्या उन नामों को बीजेपी भूल सकती है? एक रिपोर्ट। क्या इन दो तस्वीरों में आपको कोई समानता नजर आ रही? चलिए अब इन दो तस्वीरों को भी देखें। राजनीतिक रूप से कई समानताएं जिन्हें समझने की जरूरत है, ठीक उसी तरह जैसे कि शांत नदी का बाढ़ के बाद उफान का वो विकराल, और इसी तरह खाली पड़ी कुर्सियों पर देखते ही देखते हजारों की संख्या में ये जनसमूह राष्ट्रीय राजनीति में इन दिनों सिर्फ और सिर्फ एक ही दल के सितारे बुलंद, और ये बताने की जरूरत नहीं कि वो पार्टी कौन सी। जिस तरह बाढ़ नदी का अस्तित्व खत्म करने के बाद गांव और शहर की भी तस्वीर बदल देती है, ठीक उसी तरह झारखंड बीजेपी को भी सचेत रहने की जरूरत है। क्योंकि यहां भी वर्षों से संगठन का झंडा ढोने वालों के सामने दूसरे दलों से आने वालों की भीड़ है। दिन रविवार, दिन की शुरुआत रांची महानगर से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों की बीजेपी में सदस्यता लेने के साथ। और शाम कुछ ऐसे लोगों के बीजेपी में सदस्यता लेने के साथ हुई जिन्हें संरक्षण की जरूरत है। कई दलों में अपनी हाजिरी दे चुके प्रदीप प्रसाद ने भी बीजेपी का दामन थामा, मगर कहा यह जा रहा है कि जमीन के कई मामलों में आरोप प्रदीप साहब को शायद एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो बस पहुंच गए सत्ताधारी दल की छाऊं। हालांकि इसके बाद उन्होंने क्या कहा सुनिए। अभी बीजेपी आए हैं, आगे कहां जाएंगे आपको कुछ पता है या नहीं पता है? पूरी तरह से पता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ, और जहां सबका साथ सबका विकास हो रहा है, देश की हर जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे बड़ा है। हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारी हजारीबाग की और जितने भी जनता हैं, सब एक सुर से हजारीबाग जनता पार्टी में शामिल होने के लिए इतनी खुशी खुशी से आए हैं, आप देख सकते हैं। और अपने राष्ट्रहित में ये कदम हम लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी में जो भी छोटा से छोटा पद मिलेगा मैं सर स्वीकार करूंगा और मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। आज तू और कांग्रेस की नीति देखकर नहीं गया? मैं कांग्रेस की नीतियों को देख के गया था, मैं उससे भी आता हूँ। मैं कांग्रेस की नीति को जो देखा, दो तीन महीना में ही घुटन महसूस कर रहा, कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम करने का जो तरीका है वो परिवार पे है, किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होता जनहित में, उससे मैं दुखी होकर मैंने पार्टी को इस्तीफा दिया। कांग्रेस के लोग आपके इस्तीफा दिए और आए, आज के लोग भी कह रहे हैं कि आप पर जमीन खरीद बिक्री का आरोप लग रहा है, गलत तरीके से आपने मैं आज तक ये एक आरोप लगा रहे हो। अगर आपने एक भी आरोप मेरे ऊपर लगा दिखा दिए मेरे नाम पे, तो मैं आपकी गुलामी करता हूँ। जब इसी सवाल का जवाब हमने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जानने की कोशिश की तो वो भी बगले झांकते नजर। नहीं लगता है कुछ लोग इसलिए पार्टी में आ रहे हैं कि उनको संरक्षण चाहिए, बहुत सारे तरह की जांच हो रही है, इसलिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं मानता हूं, मैं इसको खारिज करता हूं। देखिए, आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के एक कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए विभिन्न राजनीतिक दल जो अब पुराना दल को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। बीजेपी को हमेशा से कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता रहा है, लेकिन आज सदस्यता अभियान की इस झोंक में कई ऐसे लोग भी पार्टी का दामन थाम रहे हैं जो पार्टी की छवि के लिए न सिर्फ नुकसानदेह हो सकते हैं, बल्कि उन कार्यकर्ताओं की शिद्दत के लिए भी वो एक प्रश्न है कि क्या उनकी जगह पार्टी में ऐसे लोग लेंगे। इस सवाल के जवाब को पार्टी आलाकमान को ढूंढना, क्योंकि सबका साथ का मतलब ऐसा तो नहीं,
और सबका विश्वास, सबका विकास तो ऐसे लोगों से आ ही नहीं सकता। अविनाश कुमार, न्यूज 11, रांची। और सीधे चलेंगे न्यूज रूम, जहां हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अविनाश, विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां ये चाह रही हैं कि अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, और बीजेपी की तरफ से सर्वसदस्यता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग पार्टी से जुड़ सके। लेकिन कई ऐसे लोग भी पार्टी से जुड़ रहे हैं जिन्हें संरक्षण की जरूरत है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो कार्यकर्ता और नेता पहले से बीजेपी में है, उनका अस्तित्व क्या होगा? नहीं, ज़रूर जया, और अगर हम बीजेपी की जब भी बात करते हैं, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी संगठन बेस्ड पार्टी जी, जो आज से नहीं वर्षों बरस से लगातार संगठन के बूते यहाँ तक पहुँची है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने की बात करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ज़माने की बात करें, आज नरेंद्र मोदी के ज़माने की बात करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक के भी सफ़र की अगर आप बात करें, तो बीजेपी ने संघर्ष करते हुए इसी कार्यकर्ता, ऐसे ही कार्यकर्ता जो डिवोटी रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए सिर्फ झंडा ढोने का काम किया, आंदोलन करने का काम किया, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, वैसे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको ये श्रेय जाता है। आज जैसा कि सभी राजनीतिक दल में बहुत बार ऐसा देखने को मिला है, जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में आती है तब ऐसा देखने को मिलता है कि दूसरे राजनीतिक दल, खासकर वैसे लोग जो जिनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमेशा ही सत्ताधारी दल के साथ ही जुड़कर रहना चाहते हैं, और ये ऐसा क्यों होता है ये सभी लोग जानते हैं कि उसके पीछे मंशा क्या होती है। बीजेपी के लिए कम से कम इस बात को लेकर बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जो इस तरह की भावना नहीं रखते हैं या उनकी अवधारणा भी नहीं है, वो ऐसा नहीं मानते हैं कि बीजेपी को किसी भीड़ की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के पास अपने कार्यकर्ता हैं और पार्टी ये कहती है देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 11 करोड़ अगर इनके पास कार्यकर्ता हैं, डिवोटी कार्यकर्ता हैं, उन्हें दूसरों की और लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। और इस वक्त भी जो संगठन पर्व चल रहा है जया, उसमें एक नया रिकॉर्ड अगर हम झारखंड के उदाहरण के स्वरूप में ही देखें, 24 लाख पहले पार्टी के पास में कार्यकर्ताओं की एक फौज है जो पार्टी दावा करती है, इस बार 25 लाख रखा गया, मतलब आप समझ लीजिए 49 लाख, 11 करोड़ पूरे देश का है। अगर हम झारखंड के हिसाब से भी समझें तो 20 करोड़ से ज़्यादा का इस बार लक्ष्य है। तब ऐसे में जो दूसरे राजनीतिक दल के से आने वाले नेता और कार्यकर्ता, जिसे अब तक बीजेपी विकास विरोधी, देश विरोधी, लोकतांत्रिक विरोधी, लोकतंत्र के लिए जिसे खतरा कहती रही है, वो आज बीजेपी का दामन थामने के साथ पवित्र हो जा रहे हैं। और इस पवित्रता को देखिए कि इस पवित्रता के कारण जो लंबे समय से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, जिन्होंने लाठियां खाई हैं, जिन्होंने संघर्ष को जनसंघ से लेकर अब तक देखा है, वो टुकुर टुकुर सिर्फ इस भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह गए, उनके सामने ये जरूर चुनौती है। जहां तक आज अगर आप देखें, बहुत सारे सुबह से ही अगर आप महानगर के नेताओं की बात करें, डॉक्टर की बात करें, जो कि एस के चौधरी की अगर हम बात करें, जो रिम्स के डायरेक्टर भी रहे, अधीक्षक भी रहे, अगर उसके बाद हम शाम तक की बात करें, प्रदीप प्रसाद जो पहले आजसू में रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस में गए, उनको कहा जाता है कि वो ज़मीन का व्यापार भी करते हैं, और ज़मीन को लेकर कई बार उनके ऊपर सवाल भी उठे हैं, कि कई तरह की जांच की भी बात हो रही है कि किस तरह से गलत तरीके से भी उन्होंने ज़मीन की खरीद बिक्री की है, ये उन पर आरोप है। फिर भी अगर इस तरह के लोग बीजेपी के अंदर आ रहे हैं, तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि बीजेपी को ऐसे तमाम नेताओं की ज़रूरत है? मैं अगर प्रदीप प्रसाद के हिसाब से भी अगर मैं बात करूँ, पिछले बार उन्होंने हजारीबाग से चुनाव लड़ते हुए 65,000 के करीब वोट पाए थे निर्दलीय रूप में। उनके अगर आप राजनीतिक भविष्य के हिसाब से बीजेपी की बात करें, तो वहां से पहले से पार्टी के पास मनीष जायसवाल हैं, वो पार्टी के विधायक हैं। अगर आप प्रदीप प्रसाद की बात करें, जो उनका गृह क्षेत्र की अगर हम बात करें, बगोदर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, बगोदर से नागेंद्र महतो हैं। वैसी परिस्थिति में अगर दोनों ही जगह में से कहीं भी प्रदीप प्रसाद को अगर मौका मिलता है, तो क्या सिटिंग एमएलए पार्टी से अलग हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे? बिल्कुल अविनाश, ये भी सोचने वाली बात है, और अब देखना ये होगा कि पार्टी की तरफ से अगला स्टैंड आखिर क्या होता है। लेकिन लगातार जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो साथ जुड़ते जा रहे हैं बीजेपी के,
जब आपने लोगों के बीच गए तो उन लोगों का क्या कुछ कहना था, नए नए लोगों को जुड़ने को लेकर? नहीं, लोगों का क्या कहना था उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। अभी हाल में ही मुनचुन राय जो कि आजसू से पार्टी में आए थे, उस दिन की वाक्या मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को। जो नगर विकास मंत्री हैं सीपी सिंह संबोधित कर रहे थे, और जब उन्होंने शुरुआती दौर में जिस भीड़ को देखा और जब उनके संबोधन तक में जब ये भीड़ छट चुकी थी, तब उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आप बता सकते हैं कि एक लीटर दूध में कितना पनीर निकल सकता है, और फिर उन्होंने कहा कि उसी एक लीटर दूध से कितना खोआ निकल सकता है। मतलब स्पष्ट है कि जो भीड़ आती है, भीड़ के बाद कितने लोग टिकते हैं, पार्टी के पास कितना उनका अपना वजूद बच पाता है, ये सबसे बड़ा महत्व होता है। इस बार जो भीड़ आ रही है एक ऐसे समय में आ रही है जब 3 महीने के बाद जया यहाँ चुनाव होना है, और अगर ऐसे महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, तब आपको यह मान के चलना पड़ेगा कि जब उनमें से किसी की नाराजगी बढ़ेगी, क्योंकि विधानसभा सीट पर एक ही उम्मीदवार होगा पार्टी का, और जो लोग इस आशा के साथ पार्टी में आ रहे हैं कि उन्हें भी मौका मिल सकता है, वो एंड टाइम पर बीजेपी को जब ऐसे तमाम लोगों की जरूरत होगी तब वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वो आए ही थे पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव के सिंबल के लिए। तब विनाश कहा यह जाता है कि बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी और अनुशासन में रहकर काम करती है, साफ छवि की बात कही जाती है, लेकिन जिस तरह से जमीन कारोबारी प्रदीप प्रसाद ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, इससे पहले जैसा कि आपने भी बताया कि आजसू और कांग्रेस में वो रह चुके हैं और अब बीजेपी में आए हैं, तो कितना भरोसा प्रदीप प्रसाद पर किया जा सकता है और पार्टी पर क्या इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि कई सारे आरोप इनके ऊपर भी लगे हैं? हजारीबाग की जनता को यह तय करना चाहिए कि प्रदीप प्रसाद पर कितना भरोसा किया जा सकता है। बगोदर की जनता को यह सोचना होगा कि प्रदीप प्रसाद का ये आखिरी पड़ाव है या फिर यहाँ के बाद भी वो कहीं जा सकते हैं, क्योंकि राजनीति में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। जया, आज भी जब उनसे ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कह दिया कि मरते दम तक बीजेपी में रहूंगा। मेरे पास कई ऐसे नेताओं के इस तरह के बयान हैं जो हर बार चुनाव से पहले ये बोलते हुए सुने जाते हैं, और चुनाव के वक्त अगर उन्हें मौका नहीं मिलता है तब वो दूसरे राजनीतिक दल में चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ उनकी दाल गल सकती है, वहाँ वो चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि हर एक राजनीतिक दल के जो इस तरह के नेता होते हैं, जो चुनाव लड़ने वाले नेता होते हैं, उनके लिए 5 साल के बाद ये चुनाव ही एक ऐसा मैदान होता है जहाँ वो ताकत अपना भाग्य आजमाते हैं और वो कुर्सी तक पहुँचना चाहते हैं। प्रदीप प्रसाद के बारे में जैसा मैंने कहा कि हजारीबाग और बगोदर से अगर उनकी निगाहें टिकी हैं, जैसा कि उनके समर्थक भी बता रहे थे, वैसे दोनों ही सीटों पर पार्टी के पास इस वक्त भी बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं। मतलब साफ है कि कहीं से भी मौका मिलता है तो एक सिटिंग विधायक को आप नाराज करेंगे और वही सिटिंग विधायक फिर किसी दूसरे दल में जाकर या निर्दलीय लड़कर उस विधानसभा की जो सीट है, जो समीकरण है, उस समीकरण को वो तोड़ सकता है, समीकरण को जिस बीजेपी के हिसाब से सोचा जा रहा है उसे धक्का पहुंचा सकता है, और इसका फायदा किसी तीसरे को मिल सकता है। तब ऐसे में 65+ का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो कैसे हासिल होगा, ये बीजेपी को सोचना चाहिए। चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो लोगों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है बीजेपी के साथ, और बीजेपी अपनी संगठन मजबूती के लिए जानी जाती है, और सदस्यता अभियान के तहत कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि जो पुराने नेता और कार्यकर्ता हैं उनका आखिर क्या हो पाता है।